बिहार में चुनाव का माहौल है, त्योहारी सीजन है, लेकिन झारखंड से बिहार के लिए जाने में लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। सिर्फ एक ट्रेन चलती है और वो भी फुल रहती है। एक रिपोर्ट। झारखंड से दूसरे राज्यों को जाने वाली ट्रेनें अभी ना के बराबर है। कोई इसे राजनीति से जोड़ रहा तो कोई महामारी से, लेकिन अब जब जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद तेज हुई है तो ट्रेनों का परिचालन बंद होना सवाल खड़े करता है। झारखंड से खासकर बिहार जाने के लिए कोई ट्रेन का विकल्प नहीं है, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ी है। अभी तक कोई ट्रेन नहीं चल रहा है बिहार जाने के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे अपने गांव जाएंगे। मैंने बुकिंग करवाया है गंगा सागर ट्रेन में करवाया, वो भी अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। वो भी 12 वेटिंग दिखा रहा है। समझ में नहीं आ रहा वो वेटिंग कन्फर्म होगा कि नहीं होगा कन्फर्म। तो हम झारखंड सरकार से चाहते हैं कि रांची जयनगर जो यहाँ से चलती है वो अगर चालू हो जाए तो हम लोग के लिए, आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि राज्य सरकार ने 8 सितंबर से बसों के परिचालन को हरी झंडी देने की बात कही है, लेकिन महामारी को देखते हुए किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में रेलवे एकमात्र विकल्प है जहां आम आदमी बेहद कम किराए में यात्रा कर सकेगा। फिलहाल सभी की नजरें सरकार पर टिकी है कि वो जनता के बारे में सोचेगी, लेकिन चुनावी माहौल और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सब मौन है। लेकिन नहीं, ट्रेन बहुत ज्यादा दिक्कत है बिहार जाने के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बस का फेयर भी बहुत ज्यादा है बढ़ा हुआ, तो हर आदमी सक्षम नहीं है जो डबल भाड़ा दे सके। तमाम हालातों से परे एक ट्रेन के परिचालन की बात कही गई है जो 18 नवंबर को चलेगी, लेकिन एक फेरा चलने वाले इस ट्रेन को लेकर फजीहत जारी है। जरूरत है सरकार नियमों का पालन कराते हुए ट्रेनों के परिचालन को छूट दे ताकि आम लोग भी सस्ता किराया देकर सफर कर सके। न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी अरविंद के साथ आयुष चौहान की रिपोर्ट।